बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट फोर क्लास साइंस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वी आर गोइंग टू रीड एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दिस। सो दिस इज़ लाइक योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल ऑफ यू दैट NPS गिव्स यू द ऑनलाइन क्लासेज दैट यू कैन रीड वट एवर यू वॉन्ट इन योर होम्स। सो फर्स्टली यू ऑल ऑफ़ यू हैव नॉन दिस के हम वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर टू। हम अपना चैप्टर नंबर टू स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ ऑल ह्यूमन बॉडी एंड टाइप ऑफ फूड। इंसान का जिस्म और उसमें जो जो वो खाना किस किस किस्म का खाना खा सकता है, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू दिस। सो फोर क्लास वी आर ऑन पेज नंबर 8। हम पेज नंबर 8 पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि हमने पेज नंबर 7 प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ा था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो उसमें हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली खाना जैसे ही हमारे मुंह के अंदर जाता है तो वो किस तरीके से, तो उस तरह वो पूरी बॉडी में से किन किन जगहों से गुजरता हुआ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ अब आज जो हमने पढ़ना है ना वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में फूड की, खाने की हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी किस तरह मिलती है। आज हमने बात करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रीथिंग सिस्टम, हमारे सांस से रिलेटेड होता है कि किस तरह ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में जाती है और किस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड बनके हमारी बॉडी से बाहर निकल आती है। दूसरी बात कि जब ऑक्सीजन नाक से हमारी नाक के अंदर से हमारे जो हवा है वो अंदर जाती है, नाक के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो वो फिर किन किन जगहों से गुजरती हुई अपना काम करती है और फिर बाद में वो बॉडी से बाहर निकल आती है। सो लेट वी हैव स्टार्टेड, पिक अप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। ओके फॉर क्लास, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। ये ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू एनर्जी जो है वो पैदा होती है। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है पैदा होना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान डाइजेस्टेड फूड इज़ बर्नड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर क्लास आपको रीडिंग करनी भी आनी चाहिए, तो जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे साथ साथ आप भी रीड आउट करते चले जाएँ। इस प्रोसेस के दौरान डाइजेस्टेड फूड इज़ बर्नड विद ऑक्सीजन। जो फूड होता है आपकी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन उसको जला देती है, उसको बर्न कर देती है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। देखिए मेरी बात सुने, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको घर के खाने की, तो घर का खाना पहले कच्चा होता है, पहले सब्जियाँ कच्ची होती हैं, उसको पकाया जाता है, तभी तो उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो निकल आती हैं बाहर और एट द एंड जब हम उसको खाते हैं तो वो हमें मिलती है, उसको जलाने के लिए ज़रूरत होती है। इसी तरह फूड के अंदर से ऑक्सीजन निकालने एनर्जी निकालने के लिए, फूड के अंदर जितनी भी हम एनर्जी मौजूद होती है वो निकालने के लिए ऑक्सीजन उसके साथ मिलकर उसको जला देती है और वो जलाने की सूरत में एनर्जी भी बाहर निकल आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग से बन जाती है। नोज, नाक, विंड पाइप, सांस की नाली एंड लंग्स और हमारे फेफड़े कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। अच्छा जी, तीन तरह की चीज़ें हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहला होता है नोज, सेकंड नंबर पे आ जाता है विंड पाइप और थर्ड नंबर पे जो है वो आता है लंग्स। ये तीन चीज़ें हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करती हैं। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, इन विच एयर इज़ फिल्टर्ड एंड डायरेक्टेड थ्रू द विंड पाइप टू द लंग्स। अब हम वो कह रहे हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं जहाँ पर जो हवा है वो फिल्टर होती है। आपने कभी देखा है फिल्टर, पानी का फिल्टर क्या होता है? पानी के अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो ऊपर रह जाती है और साफ़ सुथरा पानी जो है वो नीचे चला जाता है, जिसको हम नल, जो हम नल के थ्रू निकलता है और हम उसको पीते हैं। तो बेसिकली फिल्टर्ड आपकी नाक के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो हवा के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स हैं उनको बाहर रख लेते हैं और साफ़ सुथरी हवा जो है ना वो आपकी सांस की नाली के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। द विंड पाइप इज़ डिवाइडेड इंटू वेरी थिन ट्यूब्स इन द लंग्स। अब जो वो सांस की नाली है वो आगे जाकर जब लंग्स में पहुँचती है तो वो बहुत सी छोटी छोटी बारीक बारीक ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, विच एंड इन एयर सैक्स, जो कि एट द एंड कुछ हवा के
क्या कहेंगे, छोटे छोटे बलून्स होते हैं, छोटे छोटे सैक्स मौजूद होते हैं, बैग जो हवा के बैग भी कहा जाता है उस तरह के मौजूद होते हैं, वो बने होते हैं आगे। द एयर फ्रॉम एयर सैक्स एंटर्स द ब्लड। अब इन ये क्या काम करते हैं कि इन हवा के जो छोटे छोटे बैग हैं उनके थ्रू जो हवा है वो ब्लड में एंटर हो जाती है एंड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, और वो ब्लड उसको लेकर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, घूमता फिरता है। ऑक्सीजन गैस इज़ यूज इन रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस टू रिलीज आउट। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है फूड के साथ मिलकर जिसको जलाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंड बनती है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। आवर लंग्स आर प्रेजेंट अंडर द केज ऑफ रिब्स। तो हमारे जो फेफड़े हैं वो बेसिकली आपके लंग्स के ऊपर एक केज बना होता है, एक देख लें पसलियों का एक केज है, एक पिंजरा सा बना होता है पसलियों का, वो उसके अंदर हमारे लंग्स मौजूद होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये डायग्राम, डायग्राम में लिखी बनी हुई है, सबसे पहले उन्होंने बनाया हुआ है नोज़ कि नोज़ से सांस अंदर जाता है, नोज़ से सांस अंदर जाने के बाद वो विंड पाइप के थ्रू आपके लंग्स तक चला जाता है। अब आप दो लंग्स देख रहे हैं, दो जो लंग्स हैं इनके ऊपर डायफ्राम होता है जिसको केज कहते हैं, पिंजरा कहा गया रिब्स का कि पसलियों का एक पिंजरा है, ठीक है जी, उसके अंदर लंग्स मौजूद हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे और भी बारीक बारीक सी ट्यूब्स मौजूद हैं, ये ट्यूब्स हैं बेसिकली जो कि आगे डिवाइड हो रही हैं, विंड पाइप आगे जाके डिवाइड हो रही है, इनको एयर सैक्स कहते हैं। ये छोटे छोटे बलून्स बने होते हैं, हवा के बैग होते हैं, इनके थ्रू जो है ना ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड से वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती चली जाती है। ये सारा था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आगे हमने पढ़ना है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली इज़ ऑल अबाउट आवर ब्लड, कि हमारा ब्लड जो है वो किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर जाता है, उस किस तरह वो काम करता है। सो काम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम बाय विच मटेरियल सर्कुलेट्स विद दी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी आपकी बॉडी को चाहिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, घूमते फिरते हैं। दिस सिस्टम कंप्राइजेस द हार्ट। अब इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें सबसे पहले आता है हार्ट, सबसे पहले हमारा दिल, फिर आर्टरीज कुछ नालियाँ होती हैं, फिर वेन्स, वेन्स भी नालियाँ होती हैं, एंड कैपिलरीज और कैपिलरीज। चार चीज़ें मौजूद हैं, नंबर वन इज़ हार्ट, नंबर टू इज़ आर्टरीज, नंबर थ्री वेन्स एंड नंबर फोर कैपिलरीज। कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज माइक्रोस्कोप से देखने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप। हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है जो कि हर टाइम ऐसे ऐसे होता रहता है, पंप की तरह ऐसे होता रहता है। विच पुशेस द ब्लड इन टू द आर्टरीज, जो कि ब्लड को आर्टरीज के अंदर से पुश करता है, और कैपिलरीज उसको उस कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट फूड गैसेस एंड वेस्ट। और जो कैपिलरीज हैं वो बेसिकली उसमें फूड गैसेस और वेस्ट की ट्रांसपोर्ट करती हैं। द ब्लड कम्स बैक टू द हार्ट थ्रू वेन्स, और फिर वही जो खून है वो दोबारा हार्ट तक कौन लेकर आता है, वेन्स। हार्ट से बॉडी तक ब्लड कौन लेके जाता है, आर्टरीज, और आर्टरीज क्या करती हैं आगे जाकर ब्लड को पुश कर देती हैं कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज में क्या होता है, जितने भी फूड की गैसेस की और वेस्ट की ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है, और एट द एंड जब ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाती है तो दोबारा वो जो ब्लड है वो वेन्स हार्ट तक ले जाती हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल द सिस्टम जो कि होता चला जाता है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल बताती चलूं कि ये हैं आर्टरीज, आर्टरीज को कौन देता है, हार्ट। हार्ट जो है वो ब्लड देता है आर्टरीज को, आर्टरीज आगे जाके दे देती हैं कैपिलरीज को, कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट होती है फूड की और गैसेस की, और जो वेस्ट बन जाते हैं उनकी, वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकल जाता है, ये चली जाती हैं वेंस के पास। ब्लड जो है इस तरह ये वेंस के पास चला जाता है, और वेंस इसको लेकर दोबारा हार्ट के पास चली जाती हैं। ये इस तरीके से काम होता चला जाता है। हार्ट आर्टरीज के, हार्ट जो है वो अपनी ब्लड देता है आर्टरीज को, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेंस, एंड वेंस से अगेन हार्ट, ठीक है जी। दिस इज़ द सिस्टम दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था जो कि हमने पढ़ा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली क्या है,
देखें, आपकी बॉडी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपकी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है, उसमें से जब एनर्जी निकल जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन जो उस फूड में से निकल जाते हैं, उसके बाद वो जो फूड रह जाता है वो बस एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ तो कुछ नमकियात होती हैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, आपके फूड में उसके थ्रू आपकी बॉडी में आती हैं। जब उनका भी सब कुछ मिल जाता है, जब निकल जाता है सब कुछ, तो वो एट द एंड क्या होता है, वो जो एक लिक्विड मटेरियल रह जाता है, जो का जिसका बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो बॉडी उसको अपने से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स किस तरह बाहर निकलते हैं, और जिस तरह वो बाहर निकलते हैं उस सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, लेट वी हैव रीड आउट दिस। इट इज़ अ सिस्टम बाई विच वेस्ट आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। दिस सिस्टम कंप्राइजेस, ये जो सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज गुर्दे नंबर वन, नंबर टू यूरेटर्स। ये दो यूरेटर्स दो नालियाँ होती हैं जो कि किडनी से नीचे जा रही होती हैं, दोनों किडनी से एक एक नाली निकल रही होती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर वो जगह है जहाँ से वो जहाँ पे आके वो नालियाँ अटैच होकर वहाँ पर जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो दे देती हैं, और एट द एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है। फोर पार्ट्स हैं इसके, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज फिल्टर द ब्लड, किडनी जो है वो सबसे पहले ब्लड को फ़िल्टर करती है, ब्लड के अंदर से जितनी भी चीज़ें हैं फजूल चीज़ें जो हाँ जो चीज़ें बॉडी को ज़रूरत होती है उन ले लेती है, और बाकी चीज़ें आगे पहुंचा देती है, एंड फॉर्म यूरिन विच मूव्स थ्रू यूरेटर्स एंड स्टोर्स इन द ब्लैडर। अब क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ें ज़रूरत होती है किडनी को वो लेकर बाकी जो होता है वो यूरिन बन जाता है, उसको क्या करती है यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देती है। फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। अब यूरिनरी ब्लैडर से जब उसको टाइम मिलता है वो यूरेथ्रा की ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत ईजी है। किडनी क्या करती है, अब जितनी भी चीज़ें हैं वो फिल्टर करके ब्लड के अंदर से अपने पास रख लेती है, फिर उसको जो यूरिन बन जाता है जिसके अंदर वेस्ट चीज़ें होती हैं वो यूरिन चला जाता है यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरेथ्रा से। दिस इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाना चाहूँ, हेयर इट इज़, आप देख सकते हैं ये दो किडनीज हैं जो पिंक कलर की आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर द टू किडनीज। ठीक है, किडनीज के बाद आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने लिखा है यूरेटर। यूरेटर बेसिकली ये जो आपको एक किडनी से आती हुई ट्यूब दो नज़र आ रही हैं वो यूरेटर्स हैं, जो कि ये आपको नज़र आ रही है, ये यूरेटर की एक ट्यूब है, ये एक यूरेटर की ट्यूब है, ये दो यूरेटर्स हैं जो कि आके मिल रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर है जो पिंक कलर का बना है, और ये जो नीचे आपको ओपनिंग छोटी सी जगह नज़र आ रही है ये ओपनिंग है यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारा सारा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे बात आ जाती है नर्वस सिस्टम की। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमने बात कर ली अपना खाना कैसे हमने बॉडी के अंदर किस सिस्टम से खाना जाता है, फिर हमने बात कर ली हवा किस सिस्टम से जाती है, अब हम बात फिर हमने बात कर ली खून कैसे सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। अब जो कि हम बात कर रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम की, और बेसिकली नर्वस सिस्टम का मतलब है आपकी ब्रेन का काम, आपके दिमाग का काम, आपकी नर्व्स, ऐसी नर्व्स वो होती हैं जो कि पूरी बॉडी से मैसेजेस ब्रेन तक लेकर जाती हैं और ब्रेन का मैसेज बॉडी तक लेकर आती हैं। इस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो चीज़ें होती हैं नर्वस सिस्टम में, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, अगर आप अपनी कमर को पीछे हाथ लगाएं तो आपको एक हड्डी नज़र आएगी जो कि गर्दन से लेकर आपकी कमर के एंड तक जा रही होती है, उस हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। इसको बारे में आप 5 क्लास में जाकर एक्सप्लेन बहुत ही डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। अब वो हड्डी क्या करती है, उस हड्डी के साथ ही एक कॉर्ड जा रही होती है जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मकसद ये होता है कि ब्रेन से मैसेज लेकर पूरी बॉडी के अंदर कन्वे करना। तो इस कन्वे करने के मैसेज को और कन्वे कौन करवाता है, नर्व्स करवाती हैं। तो इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली होता ही ब्रेन से रिलेटेड है। अच्छा जी, रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है ऑल द बॉडी ऑर्गन्स एंड
सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, के जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं और सिस्टम हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू. दिस सिस्टम कंप्राइजेस द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड. अब इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व. इसमें ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और नर्व्स आती हैं. तीन चीज़ें हैं इस सिस्टम में. कौन कौन सी चीज़ें हैं तीन, नंबर वन इज़ ब्रेन, नंबर टू इज़ स्पाइनल कॉर्ड एंड नंबर थ्री इज़ नर्व्स. द ब्रेन वर्क्स लाइक अ सुपर कंप्यूटर टू कंट्रोल द बॉडी फंक्शंस. अब देखिए उन्होंने कहा है कि ब्रेन ऐसे काम करता है जैसे कि कंप्यूटर काम कर रहा है. लाइक अगर आपने कभी देखा हो कंप्यूटर चलाकर, तो कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ क्लिक करेंगे वो आपको हर चीज़ खोल के दिखा देगी कि ये काम है. कंप्यूटर में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, जितना आप कॉन्सेप्ट लेना चाहें उतना कम है. इसी तरह ब्रेन में भी यही काम है. ब्रेन बहुत फास्टली काम करवाता है. लाइक अगर आपको आपने किसी गर्म पतीली को हाथ लगा लिया तो आप झट से उस हाथ को पीछे कर लेते हैं. ये भी काम ब्रेन का होता है कि ब्रेन आपको मैसेज भेजता है आपके हाथ को कि ये चीज़ गर्म है, आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, हाथ पीछे कर लें. ऐसा तो नहीं है कि आप गर्म चीज़ को हाथ लगा के खड़े हो गए हैं तो जी जब तक आपका हाथ जल नहीं रहा, बहुत देर लग रही है, जब तक ब्रेन से मैसेज नहीं आ रहा तब तक आप पीछे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता. ब्रेन का फंक्शन बहुत फास्ट होता है. जैसे कि फास्ट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फास्ट होता है, कि अगर आप एक चीज़ को गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो झट से पीछे कर लें, तो ये ब्रेन ही है जो जल्दी से आपको मैसेज पहुंचा देता है कि हाथ पीछे कर लें, दिस इज़ हार्मफुल फॉर यू. ठीक है, दिस इज़ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में भी तीन पार्ट्स हैं, वन इज़ ब्रेन, सेकेंड इज़ स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज़ नर्व्स. आपको मैं इसकी डायग्राम दिखा दूँ जो उन्होंने साइट पर बनाई हुई है. उसमें सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज़ दिखाई है, दैट इज़ ब्रेन सबसे ऊपर, सबसे ब्रेन, ब्रेन के बाद आती है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो मैंने आपको अभी बात की रीढ़ की हड्डी के अंदर साथ ही होती है स्पाइनल कॉर्ड ये, और उसके बाद ये नर्व्स जो बारीक बारीक सी आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं, ये सारी नर्व्स हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं. क्योंकि ब्रेन ने जो है ना पूरी बॉडी में कोई ना कोई पैगाम भेजना होता है. लाइक अगर आपकी मैं एग्जांपल दूँ पाँव की, तो पाँव अगर आपका किसी चीज़ को लग गया है, बहुत ज़ोर से लगा है, अब बहुत दर्द हो रही है, तो अब वहाँ पे नर्व्स मौजूद होंगे जिधर तक ब्रेन आपको मैसेज पहुँचाएगा कि अब यहाँ पर आपका पाँव जो है वो ज़ख्मी हो गया है, वरना आपको नहीं पता चलेगा. ठीक है जी, तो ये नर्व्स ही हैं जो काम होता है. इन नर्व्स के थ्रू ही इस सिस्टम का नाम रख दिया गया है नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है पूरी बॉडी के साथ. ठीक है, आज हमने तकरीबन चार सिस्टम्स पढ़े हैं, टोटल फाइव सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो जो आज हमने सिस्टम्स पढ़े हैं मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ. हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हवा है वो किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जाती है और किस तरीके से लंग्स तक पहुँचती है और फिर बाद में वो ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाती है. ठीक है, हमने पढ़ा कि तीन इसके पार्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट है नोज, फिर विंड पाइप एंड देन लंग्स. फिर हमने बात की सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें हमने बात की ब्लड की, कि ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट करता है. तो वो तीन तरीके, चार उसके पार्ट्स होते हैं, हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेंस. हार्ट से जो है वो ब्लड आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज क्या करती हैं उसको कैपिलरीज में भेज देती हैं, कैपिलरीज से वो फूड की ट्रांसपोर्ट या जो भी वेस्ट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करते करते वेंस तक जाता है, और वेंस से एट द एंड वो ब्लड दोबारा हार्ट के पास चला जाता है. फिर बारी आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की. एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बात की कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने वाला सिस्टम होता है. आपकी बॉडी में कुछ ऐसे मादा होता है जो कि ज़रूरत नहीं होती जिसको बॉडी की, तो वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं. उसमें हमारे पास चार चीज़ें थी, दैट इज़ वन इज़ किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड एट द एंड यूरेथ्रा. और इसका हमने एक और बात की कि किडनी जो होती है वो बेसिकली जो ब्लड है उसको पहले फ़िल्टर कर देती है, वो फ़िल्टर करके उसको यूरिन बनाकर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचा देती है, और यूरिनरी ब्लैडर से वो चीज़ आपकी यूरेथ्रा से बाहर निकल जाती है. उसके बाद हमने बात की नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेन, जिसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी, जिससे कंप्राइज होता है नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पे. और ये क्या करता है, एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ठीक है जी, ये चार सिस्टम्स हमने आज पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह. मैं उम्मीद करती हूँ फोर क्लास आपको ये चारों के चारों सिस्टम याद भी हो जाएंगे और आपको आ भी जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू डू आवर वर्क, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, अगर मैं आपको दिखाती चलूँ, सॉरी हियर इट इज. क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम
रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन है जो है जो हमने आज करना है. इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का सिस्टम होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है. इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज इनहेल. ऑक्सीजन गैस को हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सहेल्ड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. द ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. अब जो लंग्स के अंदर ब्लड मौजूद है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स में से लेकर पूरे बॉडी के तक पहुँचा देता है ऑक्सीजन को. ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आज हमने करना है. ऑल ऑफ यू हैव टू पिकअप योर कॉपीज एंड ओपन इट. कॉपीज ओपन करें. लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क. क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ हेयर मार्जिन लाइन. सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लिया करें. मार्जिन लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है फोर क्लास. मार्जिन लाइन के बगैर काम नहीं होता और चेक भी नहीं होता. ठीक है, आफ्टर दिस फर्स्ट पेज पर हमारा एक पेज पे काम आ ही जाएगा क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है. नहीं आएगा तो हम सेकंड पेज पे चले जाएंगे. वन मोर थिंग, आपने फोर क्लास खुला खुला लिखना है, बिल्कुल तंग तंग नहीं लिखना ताकि आपकी राइटिंग सब चीज़ें अच्छी भी लगें. ठीक है, फर्स्टली वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट दैट इज़ जुलाई 16th जुलाई कोमा 2020. एट द मिड ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हेयर द क्लास वर्क. बिल्कुल दरमियान में हमने लिखना है क्लास वर्क. और राइट कॉर्नर पे हमने डे लिखना है, दैट इज थर्सडे. आफ्टर दिस थर्सडे के बाद हमने यहाँ पे लिखना है टॉपिक. टॉपिक आ जाता है हमारा क्वेश्चन आंसर्स, जैसे प्रीवियस में हम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू नो अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम. बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में क्वेश्चन लिखना है, बुक से देख के भी लिख सकते हैं. किसी अगर स्पेलिंग की आपको नहीं समझ आ रही, आप बुक से भी देख के स्पेलिंग कंप्लीट कर सकते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम. क्वेश्चन मार्क. ओके, आफ्टर दिस आंसर और आंसर के बाद आप हेडिंग दे दें यहाँ पर पॉइंटर से रिस्पायरेटरी सिस्टम, SYSTEM सिस्टम. रिमेंबर वन थिंग फोर क्लास, जैसे मैंने काम किया है सेम आपने ऐसे ही करना है. किसी किस्म की मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. कोशिश करें जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखें अगर आपकी राइटिंग बहुत पुअर है, वरना मैं तो जानती हूँ कि NPS के सारे स्टूडेंट्स की राइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और सारे ही कर्सिव पैटर्न पे ही राइट करते हैं. ये कर्सिव पैटर्न है जो हम लोग यूज़ करते हैं और मैं जानती हूँ कि NPS के सारे बच्चे इसी तरीके से राइट करेंगे. अगर आपको नहीं राइट करना आ रहा तो आप कोशिश करें कि मेरी राइटिंग को आप कॉपी कर लें. इट साउंड्स गुड. ओके, स्टार्ट करते हैं. इट इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम इन आवर बॉडी. इट इज ENERGY, एनर्जी. इट इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग, PRODUCING, प्रोड्यूसिंग सिस्टम, SYSTEM सिस्टम. इट इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम इन आवर बॉडी. ठीक है जी, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सहेल्ड. इन दिस प्रोसेस, खुला खुला लिखना है आपने, वन फिंगर डिस्टेंस दे के लिखे. ऑक्सीजन गैस इज इनहेल्ड, INHALED इनहेल्ड, एंड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सहेल्ड.
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सहेल्ड EXHALED एक्सहेल्ड। ठीक है, ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ नोज कोमा विंड पाइप एंड लंग्स। ठीक है जी, किस किस चीज़ पे मुश्तमिल है? नोज, विंड पाइप और लंग्स पे। बस यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन करना है। इसके नीचे मैं आपकी एंडिंग लाइन लगा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आपका आज का काम कंप्लीट हो गया। ये आपने जितना मैंने लिखवाया है आपने इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा आपने याद नहीं करना। ओके जी, फोर क्लास अगेन एक दफ़ा मैं आपको पढ़ा देती हूँ। What do you know about the respiratory system? It is the energy producing system in our body. In this process, oxygen gas is inhaled and a carbon dioxide gas is exhaled. It consists of nose, windpipe and lungs. Enough. इतना क्वेश्चन सिर्फ आपने करना है। एक लाइन जो आपकी बुक में लिखी है वो आपने नहीं लिखनी और ना ही वो याद करनी है। ठीक है जी, फोर क्लास नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।